आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ, जहां चीरूडी कांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी दोषी करार। योगेंद्र साव और निर्मला देवी के बेटे अंकित राज साक्ष्य के अभाव में बरी। एजीसी विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया है। वीसी के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज सशरीर हुए कोर्ट में उपस्थित। 8 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बड़का गांव कांड संख्या है 2228/16 के तहत दर्ज हुआ था मामला। एनटीपीसी के खिलाफ लिए गए कफन सत्याग्रह से जुड़ा है मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, चिरूडी कांड में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी दोषी करार दिए गए हैं। योगेंद्र साव और निर्मला देवी के बेटे अंकित राज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। एजीसी विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने सुनाया फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए योगेंद्र साव, निर्मला देवी और अंकित राज। 8 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बड़का गांव कांड संख्या है 228/16 के तहत दर्ज हुआ था मामला। एनटीपीसी के खिलाफ किए गए कफन सत्याग्रह से जुड़ा यह पूरा मामला। दीपक सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, चिरूडी कांड में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक उनकी पत्नी दोषी करार दिए गए हैं, क्या कुछ दलीलें पेश की गई थी कोर्ट में जब आज के लिए सुरक्षित रखा था कोर्ट ने फैसला? जी बता दें कि चिरूडी कांड मामला जो बड़का गांव गोली कांड से जुड़ा मामला है, और इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी और उनके पुत्र अंकित राज ट्रायल फेस कर रहे थे। अब पिछले 8 मार्च को जब कोर्ट में सुनवाई हुई और उस दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की अंतिम दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और आज की तिथि फैसले के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। और कोर्ट में आज जब फैसले के बिंदु पर सुनवाई हुई उस दौरान योगेंद्र साव, क्योंकि वो कस्टडी में है, तो वो वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए, जबकि पूर्व विधायक निर्मला देवी और उनके पुत्र अंकित राज फिजिकल कोर्ट में उपस्थित हुए। और कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को दोषी करार दिया गया है, जिसको सजा के बिंदु पर आगामी 24 मार्च को सजा सुनाया जाएगा। और वहीं बात करें अंकित राज की, तो उन्हें कोर्ट ने साक्ष्य और गवाह के अभाव में बरी कर दिया है। तो कुल मिलाकर कहें तो योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी की मुश्किलें बढ़ गई है, और उनके जो पुत्र है उनकी उन्हें राहत मिली है। और ये जो पूरा मामला है, ये 2015 में जब एनटीपीसी के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था, उसके खिलाफ पूर्व विधायक निर्मला देवी ने कफन सत्याग्रह किया था, और उस दौरान पुलिस से स्थानीय लोगों की झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। और इस मामले में केएसआईओ जो थे उनके द्वारा मामला दर्ज कराया गया था बड़का गांव थाना में, और उसमें पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी और अंकित राज के अलावा जो 4 लोग जो मौत हुई थी उस झड़प में, उन्हें आरोपी बनाया गया था। और इस झड़प में अगर बात करें तो जो एएसपी थे तत्कालीन, एएसपी कुलदीप कुमार, और जो अंचलाधिकारी थे तत्कालीन शैलेश कुमार सिंह, ये गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज दिल्ली में हुआ था, स्वस्थ होकर वापस आए थे। जब गवाही हुई तो इन दोनों की जो गवाही हुई वो मुख्य रूप से बहुत ठोस प्रमाण रहा अभियोजन पक्ष के लिए, जिसके आधार पर दोषी आज कोर्ट ने पाया है। लेकिन अगर बात करें योगेंद्र साव की, तो क्योंकि जिस वक्त घटना घटी थी बड़का गांव में, उस वक्त योगेंद्र साव उस घटना में मौजूद नहीं थे, तो उनसे संबंधित जितने भी धाराएं लगाए गए थे केएसआईओ के द्वारा, उसमें कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, उन्हें रिहा किया था। लेकिन अन्य जो
धाराएं लगे गए थे, लगभग बात करें तो कुल 22 धाराएं लगाए गए थे और उनमें से जो अन्य धारा जो से उन्हें रिहा किया गया, उसके अलावा जो अन्य धारा लगाए गए थे उनमें तो दोषी करार दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहे तो योगेंद्र साहू के लिए आज का दिन कहीं ना कहीं तो मुश्किल भरा दिन रहा होगा, क्योंकि आज फैसले के बिंदु पर सुनवाई हुई और दोषी देखने वाली बात होगी। और फैसला आया, दोषी करार दिए गए हैं पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक उनकी पत्नी जो है, हालांकि एक थोड़ी सी राहत यह मिली कि उनके पुत्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।